अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड उर्दू यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज मैं आप लोग बताऊंगा कि हम व्हाट्सएप का डेटा जो है वो एसडी कार्ड में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। सो इस मेथड से आप किसी भी लाइक ऐप का डेटा जो है वो एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए कि जब भी हम प्ले स्टोर से कोई भी लाइक ऐप जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो वो बेसिकली हमारे फोन मेमोरी में सेव होता है। उनका डेटा सारा जो है फोन मेमोरी में सेव होता है, जिनमें व्हाट्सएप भी हमारा फोन मेमोरी में सेव होता है। सो आज मैं आप लोग बताऊंगा कि हम इनको कैसे जो है ट्रांसफर करेंगे, कैसे एसडी कार्ड में रखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप को क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इनके ऐप इन्फो पे जाऊँ तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जिनसे हम अपना व्हाट्सएप जो है वो टोटली जो है वो ट्रांसफर करें अपने एसडी कार्ड में। और अगर हम इनके स्टोरेज पे क्लिक करें, जो कि स्टोरेज पे बात हो रही है, तो यहाँ स्टोरेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा जो कि हम ये व्हाट्सएप जो है वो एसडी कार्ड में ट्रांसफर करें। अब बेसिकली मैं आप लोग बताऊंगा कि आप इनको ट्रांसफर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने मोबाइल में एक डेवलपर ऑप्शन होता है, उनको ऑन करना है। सो ये ज्यादातर मोबाइलों में ऑन होता है। अगर आपके मोबाइल में ऑन नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों ने अबाउट फोन पे जाना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ बिल नंबर पे 7 दफा आप लोगों ने टैप करना है। सो आप यहाँ भी देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आपका डेवलपर मोड ऑलरेडी आपने ऑन किया है। सो मैं यहाँ जो है बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोगों ने यहाँ पे जो है इनको ऑन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, जो कि फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल के नाम से होगा। बेसिकली ये आपके मोबाइल में बंद होगा, आप लोगों ने सिंपल से इनको ऑन करना है। और क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी लाइक ऐप का डेटा जो है वो एक्सटर्नल लाइक एसडी कार्ड में रख सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑन किया, उसके बाद आप लोगों ने आपके मोबाइल में एक एसडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं फिर व्हाट्सएप को क्लिक कर लूँ, यहाँ पे ऐप इन्फो में जाऊँ, यहाँ पे ऐप इन्फो में जाने के बाद इजिली आप यहाँ पे जैसे जो है लाइक इनके स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, मैं आप लोग को लाइव करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये स्टोरेज है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज का, और जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप इजिली इनकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक एसडी कार्ड में भी रख सकते हैं। सो अगर आप भी व्हाट्सएप का टोटली डेटा जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनका टोटली डेटा मूव करना चाहते हैं एसडी कार्ड में, तो आप इजीली इनको एसडी कार्ड में करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप इनको यहाँ से जो है मूव कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली ये काफी एक अच्छा ट्रिक है। आप इजीली इस मेथड से जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन है आप उनका डेटा जो है एसडी कार्ड में रख सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल जो है फोन मेमोरी उनकी क्लियर हो, उनसे उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप इजीली इस मेथड से व्हाट्सएप का डेटा जो है वो इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहें। शुक्रिया।